सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि बिजली की समस्या केवल मैं और मेरा दल ही फेस नहीं कर रहा, राजस्थान का प्रत्येक कंज्यूमर महसूस कर रहा। जो भी स्थिति है, जैसी भी स्थिति है, उसके बारे में अगर आपका वक्तव्य आएगा तो सही स्थिति राजस्थान के कंज्यूमर के पास पहुंचेगी, नहीं तो यही रहेगा कि हमारी इस कम से कम सरकारी पक्ष भी तो आए कि आप वास्तव में इस स्थिति में गए कैसे और इतने कर्जे में अब डूब रहे हैं निरंतर और कंज्यूमर परेशान हो रहा है। तो अगर जवाब देंगे तो मैं सोचता हूं कि आज दे सकें आज दें, कल देना चाहें कल दें, दो घंटे बाद देना चाहें दो, लेकिन आप अपना पक्ष जरूर रखें ताकि कम से कम कंज्यूमर को ये एहसास हो कि वास्तव में इस स्थिति में ये राजस्थान बिजली की दृष्टि से क्यों आया है। मंत्री महोदय, कब देना चाहेंगे आप? कल वक्त भी दे दूंगा, जो भी प्रश्न उठे हैं उनके बारे में। और कुछ बातें आज ही कहना चाहूँगा, जैसे अभी सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था हम कृषि बिजली की दरों में 5 वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 90 पैसे में दे रहे हैं, लगभग 16,000 करोड़ का प्लीज सेव करें अनुदान दे रहे हैं प्लीज, और DBT अभी लागू की है। आप गुमराह क्यों करते हैं? आप उसको पढ़ें, उन्होंने साफ कहा था कृषि बिजली की दरों में 5 वर्ष से कोई हम परिवर्तन नहीं करेंगे। हम 90 पैसे में मंत्री मोदी का स्टेटमेंट दे रहे हैं बराबर, और कल कल वक्तव्य दे देंगे, कल का अगर कल स्टेटमेंट देते हैं कल दे देंगे। 295 पढ़ावा मान लिया गया। श्री महेश जोशी प्लीज प्लीज। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक प्लीज कृपया शांत रहे 9 सितंबर 2021 को मध्याह्न पूर्व 11:35 पर माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि सोमवार दिनांक 13 सितंबर 2021 से शनिवार दिनांक 18 सितंबर 2021 तक सदन में अग्रेतर लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए। सोमवार दिनांक 13 सितंबर 2021 एक राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुकरकरण और विनिमय संशोधन विधेयक 2021 एवं राजस्थान विधियां द्वितीय संशोधन विधेयक 2021 पर विचार एवं पारण। मंगलवार दिनांक 14 सितंबर 2021 नंबर 1 अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2021-22 प्रथम संकलन का उपस्थापन। नंबर 2 स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2020। 3 राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 एवं 4 राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 पर विचार एवं पारण। बुधवार दिनांक 15 सितंबर 2021 राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण